हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी 63,758 आपको मिलने वाली है। बिना अनुभव के आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। नया विज्ञापन है और सभी राज्य के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे, जो भी क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, यदि उसे जो है आप पूरा करते हैं। तो चलिए, कैसे आवेदन करना है, आप लोगों को विज्ञापन कहाँ से मिलेगा, इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्मेट भी जो है दिया गया है। तो मेन वेबसाइट पर जैसे ही आप लोग आते हैं, तो ये होम पेज ही है। आप लोगों को यहाँ पर ही जो है लेटेस्ट न्यूज़ में एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोगों को मिलने वाला है। एक और जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूँ, आप लोगों को होम पेज पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए क्लास 6 एंड क्लास 9 के एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल जारी है। लास्ट डेट 16 दिसंबर है। अगर आपकी नज़र में कोई भी बच्चा जो कि क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहता है सैनिक स्कूल में, या फिर क्लास 9 में एडमिशन लेना चाहता है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये जानकारी आप लोग और भी जो है जगह पहुंचाएं, ताकि जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो कि क्लास 6 क्लास 9 में सैनिक स्कूल में एडमिशन पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स का एडमिशन किया जाता है। तो इन्हीं के लिए जो है, इन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसी भी जो है निकाली जाती है। तो चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को इस तरीके का मिलेगा, और इसे जो है आप लोग डाउनलोड करके फिल करके और दिए गए एड्रेस पर आप लोगों को भेजना होगा। यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल रेवाड़ी, यहाँ से वैकेंसी जारी की गई है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की वैकेंसी रहेगी, TGT सोशल साइंस की वैकेंसी है, TGT इंग्लिश की है, नर्सिंग सिस्टर फीमेल की है, इतनी ही वैकेंसी है। और यहाँ का अनुभव, यहाँ पर पढ़ाने का जो रुतवा होता है, वो आप लोगों को सच में ये चीज़ का जो है आपको एहसास दिलाएगा कि वाकई में जो है टीचिंग लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो है TGT सोशल साइंस के लिए सैलरी 63,750 आपको मिलेगी। एज जो है 21 से 35 तक रहनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल साइंस में किया हो, बीएड आपके पास होना चाहिए। सब्जेक्ट जो है आप यहाँ देख लें, यहाँ SST के जो कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो एक सब्जेक्ट आपका इनमें से हो जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए। अभी जो है CTET पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपके राज्य का जो है पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, क्लास 6 to 8 का, ठीक है। एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और आपने अपने राज्य का टेट क्लियर किया है पेपर 2, तो आप यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं। पढ़ाने का जो है यहाँ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो चलेगा। TGT इंग्लिश एक है पोस्ट, OBC के लिए रिजर्व है, और यहाँ पर सोशल साइंस में एक सीट जो कि ST के लिए रिजर्व है। ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 50% मार्क्स के साथ में BEd होना चाहिए, CTET या फिर आपके राज्य का STET स्टेट टेट क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे राजस्थान में रीट चलता है, HTET हो सकता है, UPTET हो सकता है, ठीक है। 63,758 TGT के लिए मिलेगा, 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। नर्सिंग सिस्टर फीमेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, यानी यहाँ पर कोई भी जो है कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और अगर यहाँ पर सामान्य वर्ग के नहीं होते हैं, और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अगर कैंडिडेट आते हैं, तो उनके द्वारा इसे भर लिया जाएगा, केवल फीमेल कैंडिडेट। नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 5 साल का अनुभव जो है नर्सिंग सिस्टर के लिए कंपलसरी है। सैलरी यहाँ पर अलग है, नर्सिंग सिस्टर के लिए 36,210, और उम्र कही गई है 18 से लेकर 50 वर्ष, ठीक है। अभी जो है कैसे अप्लाई करना है, तो नीचे बिल्कुल सही तरीके से दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की लास्ट डेट जो रहेगी 15 दिसंबर 2023 है, ध्यान रखिएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, तो उनको बुलाया जाएगा आगे के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, यानी इंटरव्यू ही रहेगा। और अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, तो हो सकता है रिटर्न एग्जाम हो जाए। यहाँ पर
जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एड्रेस है, टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवारी एट विलेज गोथरा, डिस्ट्रिक्ट रेवारी हरियाणा, पिन कोड है 123102। एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करना है, इसे भरना है, एड्रेस ये मैंने आपको बता दिया है, साथ में आप लोगों को जितने भी आप लोगों की फोटोकॉपी है सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स यानी जितने भी 10वीं के बाद की मार्कशीट हैं और डिप्लोमा डिग्री हैं उसके साथ में आप लोगों को अटैच कर देनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वो बिल्कुल उसमें शो करें। उसके बाद जो है 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, या फिर डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनवाना है आप लोगों को स्कूल के नाम का। जहाँ भी बनवाने जाएंगे तो उनको कहेंगे कि 500 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, डीडी बनवाना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी के नाम का, ठीक है। तो ये जो है पूरी जानकारी यहाँ लिखा है, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फीस। अभी जो है यहाँ पर एस सी एस टी की जो है कोई भी फीस नहीं है, ऐसा यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और इसका लिंक मैं जरूर आप लोगों को शेयर करूंगी। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आप देखा करें, और उसमें आप लोगों को स्कूल की मेन वेबसाइट का लिंक जरूर मिलता है ताकि आप लोग इधर उधर ना भटकें और डायरेक्ट मेन वेबसाइट पर जाकर देख सकें, एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकें और साथ में विज्ञापन को दोबारा भी देख सकें अगर वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। बाकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं हर वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड आपको करवा ही देती हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। थैंक यू।